नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपको होली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आपकी होली अच्छी गुजरी होगी और जिसको भी जो भी होली के प्रति कुछ नया गिफ्ट मिला है या फिर कुछ नया जो है सीखने को मिला है तो मुझे नीचे कमेंट जरूर कर देना। आज हम बात करें कि हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग के अंदर आपको क्या क्या कुछ करना पड़ता है। बहुत से कन्फ्यूजन है आपके मन में और बहुत से जो है ये प्रॉब्लम आती है जो भी हरियाणा रोडवेज ट्रेनिंग बस की देते हैं। कहते हैं कि वे उल्टा अटका बनवाते हैं या फिर एल बनवाते हैं, कुछ अजीब सी कई। तो मैं आपको जो है उस ट्रेनिंग के बारे में ही बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है 35 दिन की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। तो उसमें आपको रेगुलर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप उसमें छुट्टी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर नहीं जाते हो तो आपकी जो फीस लगती है, मान लीजिए 3,000 फीस लगती है, तो उसमें से आधा आपको 1500 आपको फाइन देना होता है, चाहे आप एक दिन छुट्टी करें या फिर आप 6 दिन छुट्टी करें। और उसका क्या है कि जितने दिन आप छुट्टी करते हैं उतना दिन आपको अगले जो बैच होता है, अगला बैच होता है, उसके साथ आपको कंटिन्यू जाना होगा, चाहे एक दिन छुट्टी करें या फिर एक हफ्ते करें। तो ये कुछ उसके रूल होते हैं। और जब आपका जो है 35 दिन पूरा हो जाता है ट्रेनिंग का, तब उसके बाद आपको जो भी आपके, मान लीजिए जो भी आपसे ट्रेनिंग करवाता है, जो भी आपका टीचर होता है एक तरीके से ट्रेनिंग करवाने वाला, वो आपको ले जाता है फिर जो भी नया अफसर होता है, बड़ा अफसर होता है, उसके सामने वो गाड़ी जाती है, रोडवेज बस, और जो भी कर्मचारी होते हैं वो जाते हैं। बस के अंदर 20 कर्मचारी होते हैं, वो सभी जाते हैं और वहाँ पे फिर आपसे बारी बारी जो भी 6 गियर होते हैं गाड़ी के अंदर, रोडवेज बस के अंदर 6 गियर होते हैं कि जब तक आप 6 गियर नहीं लगाते हो जब तक बस चलती है, वो चला के देखता है कर्मचारी। 6 गियर लगवाने के बाद आपकी गाड़ी को रुका दिया जाता है और आप वहाँ पर पास हो जाते हो। तो जब भी आप 6 गियर तब तक नहीं लगाते हो तब तक आपको वो अनफिट करते हैं। और ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ हो भी जाए तो वो आपको जो है पूरा कर देंगे, आपके काम को आपको पास कर देंगे। लेकिन आप एक बेहतर आप दीजिए कि आप 6 गियर अच्छे तरीके से लगा दें, क्योंकि आप 35 दिन ट्रेनिंग करते हैं, अगर आपने 6 गियर भी नहीं लगाने सीखे तो उसमें आपके लिए एक गलत बात है और आपके जो है गुरु जी उसकी भी बेइज्जती होगी, आपकी भी बेइज्जती होगी। तो देखिए, आप जब तक 6 गियर लगाते हो तो आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। तो यही कुछ वीडियो है। 8 वगैरह ये एल वगैरह कुछ नहीं बनाना पड़ता है, ये तब बनाना पड़ता है तब आप एक रोडवेज के अंदर भर्ती होते हो। तो ये कुछ वीडियो है, ये कुछ नॉलेज है। अच्छा लगा तो फिर लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हैप्पी होली।